फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 10, जिस लेक्चर में मैं अब आपको नेक्स्ट टॉपिक आगे कराऊंगा। लास्ट टॉपिक याद है मैंने क्या करा था आपको, जो मैं रिवाइज करा दूं। लास्ट क्लास में मैंने टॉपिक पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इसको डिस्कस कर देते हैं। फाइल ये बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स फॉर अ गिवन पर्टिकुलर सरफेस एरिया, और निकालने का जो फॉर्मूला था ई ए कॉस थीटा, जिस सरफेस के लिए ये था याद करो, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू, सरफेस एरिया थीटा याद है ना, एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द सरफेस, सरफेस नहीं नॉर्मल टू द सरफेस है ना, जिसे हम एरिया वेक्टर कहते थे, और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट, उनके बीच का एंगल ई ए कॉस थीटा, ई फिर से सुनो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ए सरफेस एरिया, थीटा इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द सरफेस, सरफेस नहीं सरफेस का नॉर्मल जो बाहर की तरफ लिया जाता है, और डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी। इसी पे आज आगे क्लास बढ़ा रहा हूं मैं, कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे जो मैंने आपको भेज भी दिया है। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक का नाम है गॉस थ्योरम, राइट। गॉस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक थ्योरम दिया, थ्योरम का नाम है गॉस थ्योरम। इन्होंने क्या बताया कि अगर आपके पास कोई चार्ज है, चाहे वो प्लस है चाहे माइनस है, प्लस होंगे तो फील्ड लाइंस विल मूव अवे फ्रॉम द चार्ज, विल ओरिजिनेट फ्रॉम द चार्ज, नेगेटिव होंगे तो लाइंस अंदर आएंगी। तो गॉस ने क्या बताया कि अगर कोई चार्ज है और अगर वो चार्ज क्लोज सरफेस में है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोज सरफेस, अगर वो चार्ज क्लोज सरफेस में बंद है, इस क्लोज सरफेस को हम कहते हैं, ध्यान से सुनना, इसे हम कहते हैं बेटा गॉसियन सरफेस। दिस सरफेस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस बिकॉज आई एम यूजिंग गॉस थ्योरम। तो अगर कोई चार्ज एक क्लोज सरफेस में बंद है, जिसे हम गॉसियन सरफेस कहते हैं, तो इसके लिए लाइंस देख रहे हैं, मतलब इस चार्ज के आसपास कितने लाइंस हैं, लेकिन क्लोज सरफेस में, ये इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने बताया फ्लक्स निकालने के लिए ई ए कॉस थीटा करने की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने बताया सिंपल सा, जो भी चार्ज आप ले रहे हो प्लस माइनस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, बस फिनिश। इतना नहीं करना फ्लक्स निकालने के लिए, सीधे चार्ज को जो भी मीडियम है वहां की परमिटिविटी से डिवाइड। अभी वैक्यूम माना है तो वैक्यूम की परमिटिविटी, परमिटिविटी याद है एप्सिलॉन नॉट, इससे डिवाइड। तो उन्होंने कहा इतना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये थ्योरम तभी अप्लाई होगा जब वो चार्ज, जिस चार्ज के लिए आप फ्लक्स निकाल रहे हो, वो क्लोज सरफेस में हो, वो बंद हो, तब होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो दैट गॉस थ्योरम अप्लाइड फॉर अ चार्ज क्लोज्ड एंड क्लोज्ड बाय द सरफेस, उस क्लोज सरफेस को हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। अब ये उठता है कि सर अब इसको प्रूफ करो, इसका मैं प्रूफ बताऊंगा, ठीक है, किसका, गॉस थ्योरम का। तो प्रूफ करने के लिए देखो मैं कैसे प्रूफ करूंगा, प्रूफ करने के लिए व्हाट यू विल डू, सारे नोट्स में लिखे हुए हैं, आप एक चार्ज ले लो, प्लस चार्ज ले लिया, राइट, इसे बंद कर दो, चलो बंद भी कर दिया हमने, बंद किसमें किया हमने, एक क्लोज सरफेस में, क्लोज सरफेस को क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस। और अभी हमने सरफेस कैसा लिया है, कुछ तो सरफेस होगा ना, स्फेरिकल सरफेस लिया है, तो इस सरफेस का आर, आर मान लो रेडियस, व्हाट इज आर, रेडियस, किसका रेडियस, गॉसियन सरफेस का, दिस इज आर, आर इज द, ध्यान देना, आर इज द रेडियस ऑफ गॉसियन, गॉस सरफेस है ना, गॉसियन, कैसा सरफेस है गॉसियन, किस शेप में लिया है हमने, एस्फेरिकल, गॉसियन एस्फेरिकल सरफेस, राइट। हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, कि ये सब हटकर ये आ जाना चाहिए। तो इसके लिए क्या करो, ट्रिक क्या है कि गॉसियन सरफेस एक बड़ा सा स्फेरिकल सरफेस है, इट इज अ लार्ज स्फेरिकल सरफेस। तो करना ये कि उस सरफेस पे पहले छोटा सा एकदम स्मॉल सा एलिमेंटल सरफेस लेना, डीएस। प्रूफ देखो कैसे कर रहा हूं, ध्यान से देखना, क्या करना, उस सरफेस पे एक छोटा सा एलिमेंटल सरफेस, छोटा सा एलिमेंटल सरफेस, किस सरफेस पे, गॉसियन सरफेस पे ले लिया। अब इस सरफेस का एरिया वेक्टर, फिर वही बात आ गई, एरिया वेक्टर का मतलब क्या होता है, एक परपेंडिकुलर जो बाहर की तरफ जाए, ये ले लो एरिया वेक्टर, ये हो गया डीएस के ऊपर एरो साइन, मतलब इस सरफेस का एरिया वेक्टर,
जो कि हमेशा नॉर्मल होता है, बाहर की तरफ जाता है। ये ले लिया। अब क्या क्या चीजें आई हमें प्रूफ करने के लिए, थ्योरम होता क्या है बेसिकली बताना, फ्लक्स होता क्या है, अगर ऐसे होता ना इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा, भाई बात वही है, अगर छोटा सा सरफेस लेंगे तो डीएस आ जाएगा और इंटीग्रेशन लिखना पड़ेगा, फॉर्मूला तो वही है। तो आपको क्या क्या जरूरत है, डीएस, डीएस ले लिया। फिर वहां पर इंटेंसिटी, इस जगह पे क्या इंटेंसिटी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फॉर्मूला मैंने पढ़ा चुका हूं मैं आपको, के क्यू बाई आर स्क्वायर, राइट, क्यू की वजह से आर डिस्टेंस पे होता है ना इंटेंसिटी, के क्यू बाई आर स्क्वायर। चार्ज पॉजिटिव है तो इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, अवे, याद है पढ़ा चुका हूं मैं, पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी चार्ज से अवे, ठीक है। उसके बाद एंगल, एंगल किसके बीच देखते हैं, इंटेंसिटी की डायरेक्शन और उसके ऊपर नॉर्मल जो डाला है एरिया वेक्टर उसके बीच, तो दोनों एक ही तरफ जा रहा है तो थीटा क्या हो जाएगा, सोच के जवाब देना, थीटा हो जाएगा जीरो डिग्री। क्या क्या किया मैंने फिर से बताओ प्रूफ करने के लिए, चार्ज लिया, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, चार्ज को क्लोज सर्फेस में बंद किया, इस क्लोज सर्फेस को क्या कहते हैं, गॉसियन सर्फेस, किस शेप में लिया, स्फेरिकल सर्फेस, मुझे इन सबको हटाकर ये लाना है, तो उसके लिए सबसे पहले छोटा सा डीएस लिया मैंने, छोटा सा सरफेस एरिया। उसके बाद वहां पर एरिया वेक्टर जो नॉर्मल बाहर की तरफ जाता है, फिर वहां पर इंटेंसिटी की वैल्यू आर डिस्टेंस पे के क्यू बाय आर स्क्वायर, इंटेंसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम चार्ज ले लिया, फिर इनके बीच का एंगल लेते हैं ना, डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर नॉर्मल, दोनों एक ही तरफ से, थीटा हो गया जीरो। अब क्या करो, अब सबकी वैल्यू पुट करते हैं, चलो आराम से E की वैल्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी एस और इंटू कॉस जीरो। अब हमने क्या किया, सबकी वैल्यू उठाकर रख दिया, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है बेटा, वन, देखते रहना। तो फाइव इजिकल टू के को भी खोल देता हूं मैं, के तो कॉन्स्टेंट है, बाहर ही ले लो, तो के बाहर ले लिया, चार्ज फिक्स है बाहर ले लो, अपॉन आर स्क्वायर बाहर ले लो, बट एरिया तो वेरिएबल है, अंदर ही रह जाएगा, राइट। चलो अब यहां से मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखना, फाइव इज इक्वल टू के को खोल देते हैं, के कांस्टेंट होता है, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, के खुल गया, क्यू, दिस इज क्यू चार्ज, अपॉन आर स्क्वायर, और ये एरिया है ना, ये एरिया जब इंटीग्रेट करोगे तो छोटा सा सरफेस एरिया जब बड़ा होगा तो पूरे स्फेरिकल सरफेस का सरफेस एरिया दे देगा, क्या हो जाएगा, बड़ा होगा सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस यही है ना, सरफेस एरिया क्या होता है इंटीग्रेट होकर सरफेस स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ 4 पाई आर स्क्वायर हो गया कैंसिल, बचा क्या, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो फाइनली अब आपके सामने आ गया प्रूफ कि फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फिनिश, आ गया ना वही। तो इसे बताऊं प्रूफ करने के क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, चार्ज लेंगे, दूसरी इंपॉर्टेंट बात चार्ज को बंद करेंगे, तीसरी इंपॉर्टेंट बात हमें सबको हटाना है, सबकी वैल्यू वहां दिखाएंगे, छोटा सा सरफेस एरिया नॉर्मल एरिया वेक्टर, वहां पर चार्ज की इंटेंसिटी की वैल्यू आर डिस्टेंस पे डायरेक्शन इनके बीच एंगल रखो, यू विल गेट द रिजल्ट। सो फ्लक्स फॉर अ चार्ज क्लोज्ड चार्ज बाय अ सरफेस डायरेक्ट, नो नीड टू वेस्ट इन द टाइम डायरेक्ट यू कैन राइट क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आपने कहा सर अगर ये चार्ज माइनस हो जाता तो देखो माइनस हुआ तो डायग्राम में सिर्फ एक चेंज आता, सिर्फ एक चेंज, नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी क्या होती है टुवर्ड्स द चार्ज, तो जो एरो इंटेंसिटी का अवे फ्रॉम चार्ज है टुवर्ड्स द चार्ज हो जाता। उसके बाद अब देखो अपोजिट हो गया तो अब ये एंगल जो जीरो डिग्री है वो एंगल हो जाता 180 डिग्री। कॉस 180 लेते हैं यहां पर, कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो ये आ जाता आगे माइनस, लास्ट में आ जाता माइनस, यहां भी आ जाता माइनस ऑब्वियसली। तो फ्लक्स नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव फ्लक्स होगा और पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव फ्लक्स होगा, राइट दोनों, तो पॉजिटिव चार्ज हो तो पॉजिटिव फ्लक्स होगा, नेगेटिव चार्ज हो तो नेगेटिव फ्लक्स होगा। आपको मैं पढ़ा चुका हूं पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब लाइंस विच आर यू आर काउंटिंग दे आर मूविंग दे आर लीविंग द सरफेस, नेगेटिव फ्लक्स का मतलब द चार्ज द लाइंस अराउंड द चार्ज एंटरिंग द सरफेस, ठीक है। तो मैंने प्रूफ कर दिया गॉस थ्योरम, और गॉस थ्योरम का प्रूफ मैंने बता दिया आपको, मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, राइट। पढ़ना नहीं आए तो मुझसे पूछना। अब गॉस थ्योरम के प्रूफ के बाद अब मैं आपको एक बात और बताऊं, यहां पे देखना, मान लो अभी वैक्यूम में है,
मान लो अगर ये चार्ज मीडियम में आ जाए, ये चार्ज ना आसपास वैक्यूम में मीडियम है तो क्लोज सरफेस बट मीडियम में है, तो क्या थोड़ा में फर्क आएगा? कुछ नहीं आएगा बेटा, एप्सिलॉन नॉट है ना, जिस मीडियम में आएगा ना उसकी रिलेटिव परमिटिविटी से डिवाइड कर देंगे, थ्योरम चेंज नहीं हुआ, ये तो आप जानते हो ना, जहां मीडियम की एंट्री होती है तो उसकी जो भी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है तो मीडियम का फॉर्मूला तैयार हो जाता है, ये कौन सा एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी वो जरूर दे देगा, अगर कहां लगाना चाह रहे हो आप मीडियम, ठीक है। तो ये गॉस थ्योरम का कॉन्सेप्ट था, गॉस थ्योरम का प्रूफ था। अब इसी में आता है इस टॉपिक में, ध्यान से देखना क्या आएगा कि गॉस थ्योरम जब आप पढ़ लोगे तो फिर आएगा पेपर में आता है कि प्रूफ ऑफ, सुनना ध्यान से, प्रूफ ऑफ कूलम्स लॉ बाय गॉसियन सर्फ बाय गॉस थ्योरम। अब यह आया कि आप कूलम्स लॉ को प्रूफ करें, कौन से लॉ को प्रूफ करें? कूलम्स लॉ को बेटा, कौन से थ्योरम से? गॉस थ्योरम से। कूलम्स लॉ याद है ना? कूलम्स लॉ पहले बात आपको याद है या नहीं बताओ, कूलम्स लॉ क्या है? पहली क्लास पहला लेक्चर याद करो, दो चार्जेस के बीच फोर्स का फॉर्मूला होता है के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैं लाऊंगा गॉस थ्योरम से, देखो कैसे लाऊंगा। तो प्रूफ करने के लिए आप एक चार्ज लो, कोई क्यू वन क्यू टू में से कोई एक चार्ज ले लो, चलो क्यू वन ले लिया राइट, या क्यू ही ले लो, जो नोट्स में वही लो आप, नोट्स में क्यू है। गॉस थ्योरम के लिए क्या करो, पॉजिटिव है तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, जैसे पहले थी अवे, तो इंटेंसिटी अवे, एरिया वेक्टर सब वही दिखाना, ए टू जेड, थीटा क्या हो जाएगा? जीरो है ना, अरे जीरो ही होगा ना दोबारा, पॉजिटिव की इंटेंसिटी अवे, एरिया वेक्टर अवे, जीरो, ई की वैल्यू वहां पे। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि जब आप कूलम्स लॉ प्रूफ करोगे तो आपको यह माना चले करना पड़ेगा, यह पता रखना पड़ेगा कि आपको ई की जानकारी नहीं है। सोचो जब आप ना कूलम्स लॉ से गॉस थ्योरम प्रूफ करने, सॉरी गॉस थ्योरम से कूलम्स लॉ प्रूफ करोगे तो आप यह मान के चलना कि मुझे इंटेंसिटी की जानकारी नहीं है, हालांकि आप जानते हो कि क्यू की वजह से आर डिस्टेंस पे के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, बट व्हेन यू आर गोइंग टू प्रूफ व्हाट कूलम्स लॉ बाय द गॉस थ्योरम तो आपको यह ज़ूम करना पड़ेगा कि मुझे इंटेंसिटी की जानकारी नहीं है, आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी। ऑब्वियस ही बात है, पहले कूलम्स लॉ आया तब इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट आया, तो जब आप कूलम्स लॉ ही नहीं पता तो इंटेंसिटी के बारे में कैसे आप जानकारी रख सकते हो, तो यह ज़ूम करना पड़ेगा कि मुझे अब थ्योरम की जानकारी है, अब थ्योरम की जानकारी है बट इंटेंसिटी की जानकारी नहीं है। तो अब क्या करेंगे हम, अगेन अब हम क्या करेंगे बेटा, ध्यान देना, अब हम ये करेंगे, हमने ये मान लिया कि हम इंटेंसिटी की जानकारी है ही, तो अब मैं यूज करूंगा, अब थ्योरम यूज करूंगा, ध्यान रखना, अब मैं थ्योरम यूज करूंगा क्योंकि मुझे कूलम्स लॉ लाना है गॉस थ्योरम से, सो नाउ वी नो द थ्योरम, अब हम ये मान के चल रहे हैं। चलो थ्योरम लगाते हैं सीधे, फर्स्ट का फॉर्मूला क्या होता है जवाब देंगे आप लोग, ई डी एस कॉस थीटा कॉस जीरो, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इसलिए कि मैं छोटा सा डीएस लेके चल रहा हूं, छोटा सा एरिया। और दूसरा फॉर्मूला फ्लक्स का जो अभी प्रूफ किया है आपने, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अब तो आप ये मान के चल रहे हो ना कि मुझे थ्योरम पता है, मुझे क्या नहीं पता है, e नहीं पता है, दिस इज द पॉइंट, मेन पॉइंट। तो अब क्या करें, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, ध्यान देना, इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन। और एक बात और ध्यान रखना, मैं आपको बता दूं कि जो क्लोज सर्फेस होता है ना उसके इंटीग्रेशन में इसे राउंड लगा देते हैं, राउंड आगे भी थ्योरम मैंने बताया था ना, थ्योरम वहां भी आपको क्या लगा देना है, राउंड। जैसे आप इंटीग्रेशन फॉर ओपन सरफेस तो ऐसे लिख देना, क्लोज सरफेस के लिए ना लोग ऐसे कर देते हैं, ईडीएस ना कॉस थीटा है ना, यहां पर राउंड लगा देते हैं, तो अगर इंटीग्रेशन में राउंड लगा दिया तो समझ जाना वो क्लोज सर्फेस के लिए हो रहा है, ये भी एक स्पेशल पहचान है, ध्यान रखना, नोट्स में भी है। तो अब क्या किया हमने, दोनों को इक्वेट कर दिया, इक्वेट करने के बाद अभी आपको क्या है, ई नहीं पता है, अभी हम ये मान के चले मुझे ई नहीं पता, तो ई को बाहर कर लो, क्या हो गया, किसका इंटीग्रेशन हो गया, डीएस का, इज इक्वल टू कितना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये ध्यान रखना, इंटीग्रेशन में ना जो क्लोज सरफेस के लिए कहीं इंटीग्रेशन इस्तेमाल हो तो इंटीग्रेशन के साइन में ऐसा गोला सा रो, ऐसा गोल सा राउंड लगा देते हैं, ठीक है, तो समझ जाएगा सामने वाला बंदा कि क्लोज सरफेस के लिए। ई निकालो, ई की वैल्यू निकालो, बस हो गया, चलो ई ई हो गया, डीएस बड़ा होकर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो जानते ही हो, इज इक्वल टू कितना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना, ई अननोन मान के चल रहा हूं मैं, डीएस को 4 पाई आर स्क्वायर, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया, ई इज इक्वल टू क्यू
अपॉन ये नीचे आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना आर स्क्वायर हो गया और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिख देते हैं जानते हो तो ई इक्वल टू क्या आ गया बेटा के क्यू बाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट यही होता है ना अरे शुरू से तो पढ़ा रहा हूं मैं के इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बस देखो वही ई की वैल्यू आ गई ना क्यू की वजह से आर डिस्टेंस पे के क्यू बाई आर स्क्वायर वही आएगा भाई बट हम ये मान के चल रहे थे कि हमें ई की जानकारी नहीं है ठीक है अब हमें तो लाना है कूलम्स लॉ तो कूलम्स लॉ में कितने चार्जेस होते हैं दो तो अब क्या करो एक सेंटेंस लिखो नाउ लेट एक दूसरा चार्ज कोई दूसरा चार्ज अनदर चार्ज कोई भी नाम रख दो क्यू डैश प्लेस्ड प्लेस करते हैं एट दैट पॉइंट अब ये ज़ूम करो बेटा कि हम एक और नया चार्ज लेकर आ रहे हैं कौन सा चार्ज क्यू डैश और उस जगह पे लाकर रख दिया किस जगह पे जहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है किस थ्योरम से निकाला है इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस थ्योरम की मदद से तो आपको मैं पढ़ा चुका हूं थर्ड या सेकंड या थर्ड लेक्चर में कि कोई भी चार्ज किसी फील्ड में आए तो फोर्स फील करेगा तो जैसे ही क्यू डैश लाओगे इस फील्ड में तो वो फोर्स फील करेगा ये चार्ज आया है ना बाहर से ये तो फील्ड आपने निकाल ही दिया किसकी मदद से गॉस थ्योरम की मदद से किसकी फील्ड है क्यू की फील्ड है तो अब बताओ सो फोर्स एक्सपीरियंस बाय क्यू डैश मान लो वो फोर्स को एफ मान लो क्या हो जाएगा वो फोर्स क्या होता है Q डैश इनटू वहां पर की फील्ड खत्म वहां पर की फील्ड अभी आपने निकाला है KQ by R square तो Q डैश और ये हो गया KQ by कितना R square K को अलग कर लो F is equal to K Q Q डैश by R square शायद आपके सामने आ गया कि अगर दो चार्जेस Q डैश यहां अकेला कर रखा जाए R डिस्टेंस पे रखा जाए तो फोर्स वही आ गया K पहला चार्ज दूसरा चार्ज by R square और ये कौन सा लॉ आ गया आपके पास ये आ गया कौन सा लॉ बच्चे कूलम्स लॉ दिस इज योर व्हाट कूलम्स लॉ फिनिश एक बात मैं फिर से बता दूं पहले मैंने प्रूफ किया किसको प्रूफ किया गॉस थ्योरम को उसके बाद अब पेपर में आता है कि गॉस थ्योरम से अब कूलम्स लॉ आना है तो गॉस थ्योरम से कूलम्स लॉ आना है तो क्या कॉन्सेप्ट है तो अब आपको यह समझना पड़ेगा कि अब आपके पास गॉस थ्योरम है आपके पास कूलम्स लॉ नहीं कूलम्स लॉ क्या होता है अच्छे से जानते हो कूलम्स लॉ होता है दो चार्जेस के बीच अगर दो चार्जेस हो एक्स डिस्टेंस पे हो तो फोर्स ये लगेगा चाहे वो चार्ज Q1 Q2 हो चाहे आप Q या Q डैश मानो इट डिपेंड्स ऑन यू तो उसके लिए क्या करेंगे ट्रिक क्या है वही डायग्राम बनाएंगे चार्ज लेंगे पहले बंद करेंगे छोटा सा डीएस लेंगे उसके बाद अब हम ये मान के चलेंगे कि हमें कूलम्स लॉ नहीं पता है तो हमें फील्ड भी नहीं पता तो मैं पहले क्या करूंगा गॉस थ्योरम की मदद से पहले वहां पर किसी भी पॉइंट पे सरफेस के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो गॉस थ्योरम की मदद के लिए व्हाट यू नीड चार्ज क्लोज सरफेस वहां पे डीएस एरिया वेक्टर इंटेंसिटी की डायरेक्शन और उसकी मदद से गॉस थ्योरम होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट दोनों को इक्वेट कर दो बेसिक फॉर्मूला और गॉस की मदद से इक्वेट करो वहां से पहले ई निकालो आपको ई नहीं चाहिए आपको चाहिए फोर्स तो अब जब ई निकल गया तो वहां पे एक और चार्ज की एंट्री कराओ तो कोई भी चार्ज अगर पहले से मौजूद फील्ड में आ जाए तो फोर्स फील करता है लेक्चर नंबर 2 या 3 में पढ़ाया था क्यू डैश इनटू ई ई की वैल्यू रखो यू विल गेट द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ और दूसरी बात याद रखना फिर से मैं बता दूं इंटीग्रेशन अगर ऐसे कर रहे हो तो वो ओपन सर्फेस के लिए होता है ठीक है और अगर आप इंटीग्रेशन में आपने सर्कल बना दिया तो समझ जाना वो इंटीग्रेशन किसके लिए हो रहा है क्लोज सर्फेस के लिए ठीक है तो गॉस थ्योरम तो होता है फॉर अ क्लोज सरफेस चार्ज के चारों तरफ क्लोज सरफेस तो गॉस थ्योरम में जब हम फ्लक्स का बेसिक फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे तो आप ऐसे सर्कल बना के चलेंगे इट मींस यू आर यूजिंग द इंटीग्रेशन फॉर द क्लोज सरफेस ठीक है तो पहले में क्या था बेटा डायग्राम एक ही है चाहे आप गॉस थ्योरम प्रूफ करो वही डायग्राम गॉस थ्योरम से कूलम्स लॉ प्रूफ करो वही डायग्राम लेकिन ध्यान रखना गॉस थ्योरम के प्रूफ में इंटेंसिटी की वैल्यू को यूज करके चलना है तो गॉस थ्योरम आएगा और गॉस थ्योरम से कूलम्स लॉ लाना है तो थ्योरम को यूज करेंगे और इंटेंसिटी को अननोन मान के पहले निकालेंगे फिर एक चार्ज की एंट्री कराकर फोर्स की वैल्यू वही निकाल देंगे जो दो चार्जेस आर डिस्टेंस पे होता है ठीक है तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा राइट नहीं आया होगा तो फिर से मैं डिस्कस कर दूंगा लेकिन आप प्लीज पढ़ना मुझे मैसेज देना ठीक है ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा ना ओपन सरफेस का इंटीग्रेशन ऐसे साइन होता है और क्लोज सरफेस में अगर देखते हैं इंटीग्रेशन तो आगे ऐसे लगा सर्कल बना देते हैं इंटीग्रेशन में तो समझ में आ जाता है कि वो क्लोज सरफेस के लिए है ठीक है तो अभी क्या हो गया गॉस थ्योरम मैंने बता दिया राइट गॉस थ्योरम मैंने समझा दिया और गॉस थ्योरम के बाद गॉस थ्योरम की मदद से
हम कूलम्स लॉ कैसे ला सकते हैं। कूलम्स लॉ का मतलब क्या होता है, दो चार्जेस के बीच फोर्स का फॉर्मूला के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर का वाला फॉर्मूला गॉस की मदद से ला सकते हैं। फिर से मैं बता दूं, गॉस थ्योरम से जब हम कूलम्स लॉ लाएंगे तो इंटेंसिटी को जानकारी होती है, बट हम अननोन मान लेंगे, पहले वो निकालेंगे फिर एक नए चार्ज की एंट्री करके फोर्स निकालेंगे। और अब एक बड़ा कॉन्सेप्चुअल सवाल आता है, बहुत आया पेपर में, कि एक चार्ज है राइट, वो एक क्लोज सरफेस में बंद है राइट। अब मान लो इसका रेडियस आर है, ठीक है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब क्लोज सरफेस है तो फ्लक्स निकालने के लिए ई ए कॉस थीटा करने की क्या जरूरत है, थ्योरम तो मैं दे ही चुका हूं। फ्लक्स का मतलब इस चार्ज के आसपास लाइन्स कितने हैं। अब मान लो इसी सवाल में मैंने रेडियस को आर से बढ़ा करके टू आर कर दिया, तो पूछता है बताइए क्या फ्लक्स पे फर्क पड़ेगा, पड़ेगा तो क्यों पड़ेगा और नहीं पड़ेगा तो क्यों नहीं पड़ेगा। एक बात बताओ, हमने क्या किया, गॉसियन सरफेस का साइज डबल कर दिया ना आर से टू आर, तो अभी भी फ्लक्स बेटा वही रहेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। याद रखना फाई विल नॉट चेंज। बोलोगे सर ये कैसे, बिल्कुल, अरे यार क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स तो सिर्फ चार्ज पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड कहां करता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खत्म बात। लेकिन कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर चलो आपने गॉस थ्योरम से ये बता दिया कि सिर्फ चार्ज पे डिपेंड करता है, लेकिन आप एक बात बताओ सर, अगर मान लो आप दूसरे फॉर्म में से चलते हो, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम डायरेक्ट आए ई ए कॉस थीटा, ठीक है सर आपकी बात हमने मानी, इस फॉर्मूले से आओ, बेसिक फॉर्मूले से आओ, जो बेसिक फॉर्मूला जो सब जगह लगता है इससे आओ। तो एक बात बताओ बेटा, इंटेंसिटी जो है एवरीबॉडी नोज कि डिस्टेंस के स्क्वायर की इनवर्सली होती है के क्यू बाय आर स्क्वायर, और किसी भी सरफेस का एरिया 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 ध्यान रखना वो आर स्क्वायर के डायरेक्टली 4 पाई आर स्क्वायर, तो जितना ये बढ़ेगा उतना ही अमाउंट, अगर ये इनवर्सली है तो यहां ये डायरेक्टली है, देखो ये आर स्क्वायर की इनवर्सली और एरिया आर स्क्वायर के डायरेक्टली, तो आर में जो भी चेंज होगा एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल, तो फ्लक्स विल रिमेन कॉन्स्टेंट। तो चाहे आप इससे समझो चाहे आप इससे समझो, गॉसियन सरफेस का साइज आप कितना भी बड़ा कर दो, ध्यान रखना अच्छे से समझो, फ्लक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग सोचते हैं कि सर जब आप साइज बढ़ाओगे सर तो इंटेंसिटी तो डिस्टेंस के हिसाब से, देखो ना सर साइज बढ़ाओगे तो ये कम हो जाएगा तो फ्लक्स कम होना चाहिए। अरे बच्चे ये आर स्क्वायर की इनवर्सली होता है, बट ये तो ध्यान दो ये भी तो आर स्क्वायर के डायरेक्टली होता है, तो ये तो दूसरे को कैंसिल ही कर देगा ऊपर नीचे, खत्म, फ्लक्स कॉन्स्टेंट। तो चाहे ऐसे समझो चाहे ऐसे समझो, व्हेन यू इंक्रीज द साइज ऑफ गॉसियन सरफेस अराउंड अ चार्ज, ध्यान रखना फ्लक्स विल नॉट चेंज, फ्लक्स विल रिमेन कॉन्स्टेंट। ये सब क्वेश्चन आते हैं फिर गॉस थ्योरम पे, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्लियर हो गया है, सब नोट्स में बेटा सब में दे दूंगा एक चीज। अब जरा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एक और डिस्कस कर दूं कि एक छोटा सा एग्जांपल है, जरा सुनना, एक गॉसियन सरफेस दूसरा गॉसियन सरफेस, यू हैव टू गॉसियन सरफेस सुनना, इसके अंदर चार्ज बंद है क्यू, इसके अंदर चार्ज बंद है -2q -3q राइट, एक के पास चार्ज क्यू, इसका रेडियस है आर, इसका रेडियस है आर वन मान लो, इसका रेडियस है आर टू, दो सरफेस हो गए। यहां पे एक मीडियम है जिसकी कांस्टेंट की वैल्यू है 5, तो ध्यान देना एक एक दो सरफेस हैं, एक ये इसके अंदर क्यू चार्ज, एक ये इसके अंदर -3q चार्ज, रेडियस अलग अलग, और ये ना ये देखो इसके अंदर ऐसे से करो ना, मतलब समझ में आ गया, यहां पर मीडियम है जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी 5 है और यहां कुछ नहीं है, खाली ये वैक्यूम है, ठीक है, पहला वाला वैक्यूम है, पहला वाला ये इतना दूर वैक्यूम है और बाहर मीडियम है, ठीक है, मीडियम है तभी तो उसकी रिलेटिव परमिटिविटी आई, अगर मीडियम नहीं होता तो सिर्फ एप्सिलॉन नॉट ही लेते हैं, मीडियम है तभी तो रिलेटिव परमिटिविटी लिखा है मैंने आपसे, मैं पूछ रहा हूं फाइंड, क्वेश्चन काफी अच्छा है ध्यान देना, 5:1:5:2 मतलब आपसे मैंने पूछा कि भाई एक काम करो मुझे दोनों के फ्लक्स का रेशियो बताओ, इसके फ्लक्स का और इसके फ्लक्स का क्या बताओ, रेशियो बताओ। सॉल्यूशन इट्स वेरी सिंपल, चलो पहला का मतलब ये है ना फर्स्ट R1 ये है ना इसका फ्लक्स, तो इस चार्ज को बंद है तो सीधे गॉस थ्योरम लगा दो, पहले वाले के अंदर क्या चार्ज बंद है Q, तो 5:1:q क्या हो गया q/ε0 हो गया फिनिश। चलो सेकंड सरफेस की बात करते हैं, सेकंड सरफेस कौन सा है बेटा, सेकंड सरफेस आपका ये वाला है, बाहर वाला है सेकंड सरफेस R2 है ना, इसके अंदर क्या चार्ज बंद है, तो इसके अंदर चार्ज बंद है -3q और +q, ये ध्यान देना है ना, जब आप ये सरफेस लोगे बाहर वाला तो इसके अंदर ये और ये भी तो इसके अंदर आ जाएगा, तो क्लोज में ये और प्लस ये दोनों आ जाएगा,
ठीक है, और अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन इसके साथ एप्सिलॉन भी आर भी आएगा ना, मीडियम भी तो आ रहा है। मैंने अभी थ्योरम में बताया था ना कि जब गॉस थ्योरम मीडियम के लिए लगाओगे तो एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर भी आ जाएगा। क्या आ गया इसका आंसर, माइनस टू क्यू और अपॉन कितना, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। बस अब डिवाइड करना है, रेशियो को निकालना है, 5:1:5:2 निकाल दो, बहुत सिंपल, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन माइनस टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, क्या आ जाएगा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर अपॉन माइनस टू क्यू, हो गया, ये हो गया कैंसिल, ये q और q हो गया कैंसिल, एप्सिलॉन आर बाई टू, रिलेटिव परमिटिविटी है 5, आंसर इज -5/2, फिनिश, नंबर हो गया, रेशियो फ्लक्स का ये हो गया, ठीक है, सिंपल, समझ में आ गया होगा, राइट। एक एग्जांपल नेक्स्ट कराने जा रहा हूं, ये भी देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आए, सब किस पे करा रहा हूं, गॉस थ्योरम पे। क्वेश्चन ये है, फिर से ऐसे ही सवाल, लेकिन थोड़ा सा चेंज है बेटा, थोड़ा सा, एक स्फीयर है ये फर्स्ट वन, सेकंड वाला है ये, इसके अंदर चार्ज मैंने क्लोज कर दिया क्यू, लेकिन इसके अंदर एक चार्ज है, लेकिन वो चार्ज शेप वाला है, एक थिन वायर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, इसमें जिसके पास जिसकी लंबाई एल है, ठीक है, जिसकी लंबाई एल है, राइट, और उसके बाद ध्यान देना, आपसे ये पूछा जा रहा है फाइंड 5:1:5:2, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, एक क्लास और मैं लूंगा इस पे क्वेश्चन कराऊंगा, फिर इसका एप्लीकेशन बताऊंगा, ये क्वेश्चन देख लो आप लास्ट, ठीक है, फाइंड 5:1:5:2, दोनों के फाइव का रेशियो बताना है, लेकिन ये ध्यान रखना, ये जो है थिन वायर है, एक और चीज दिया हुआ था, नोट्स में भेजूंगा, फॉर थिन वायर, चार्ज वायर है ना, इसके लिए लैम्डा दिया हुआ था, लैम्डा इज इक्वल टू के इंटू एक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्स क्या है, एक वेरिएबल डिस्टेंस है जो जीरो से शुरू हो रहा है और एल पे खत्म हो रहा है, मतलब एक्स ये है, देखो जैसे है ना वायर, वायर है ये, वायर पूरी लंबाई एल है, तो एक्स यहां से एक एंड से कोई डिस्टेंस एक्स मान लो, ये बढ़ते बढ़ते जीरो से एल तक जा रहा है, ठीक है, और के, के बारे में थोड़ा सा बता दूं, के है कॉन्स्टेंट, दिस के इज व्हाट, कॉन्स्टेंट, वो कॉन्स्टेंट नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला कॉन्स्टेंट नहीं है, ये कोई और कॉन्स्टेंट है, क्वेश्चन है अच्छे लेवल का, एक बार इंजीनियरिंग में भी आ चुका है, फिर सीबीएसई में भी एक दो बार आया है, ठीक है, आपको निकालना है वही 5:1:5:2, तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक बात मुझे बताओ, एक तो पॉइंट चार्ज है पहले सरफेस के अंदर, दूसरे सरफेस पे इसके साथ साथ ये भी है, लेकिन ये चार्ज कैसा है याद है, सेकंड क्लास, ये डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, शेप वाला चार्ज है, पॉइंट चार्ज नहीं है, और शेप आपके शेप में कैसा है, थिन वायर है, थिन वायर का याद है लैम्डा, लैम्डा होता है ना, लैम्डा क्या होता है बताना, जब कोई थिन वायर हो, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने पढ़ाया था, जब कोई थिन लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ लंबाई वाली बॉडी हो तो लैम्डा होता है, आप भूल गए शायद, लैम्डा होता है बेटा चार्ज पर यूनिट लेंथ, जिसे हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना, जब भी कोई थिन बॉडी देगा तो लैम्डा देता है, लैम्डा का मतलब नोट चार्ज, चार्ज पर यूनिट लेंथ। फिर मैं आपको बताऊं, पॉइंट चार्ज की वैल्यू तो पता है क्यू, लेकिन इसकी लंबाई पता है, लेकिन इस पे चार्ज क्या है वो नहीं पता, तो क्यों ना हम एक नया चार्ज मान लें क्यू डैश, क्यू डैश इज अबाउट चार्ज ऑन, देखना व्हाट इज चार्ज ऑन व्हाट, थिन वायर, इस चार्ज है, प्लस चार्ज है, मुझे पता है, दिख भी रहा है, ये चार्ज का अमाउंट क्या है नहीं पता, तो उसने क्यू डैश मान लिया। अब पहला टारगेट है बेटा क्यू डैश निकालना, द फर्स्ट टारगेट इज क्यू डैश, एक बात बताऊं कॉन्सेप्ट ध्यान देना, अगर आपको लगे कि लैम्डा उस वायर का कॉन्स्टेंट है तो चार्ज निकालने के लिए कुछ नहीं करना, सीधे लैम्डा इंटू एल कर देना, फिनिश, लेकिन कब, जब लैम्डा कॉन्स्टेंट हो, ठीक है, लैम्डा कॉन्स्टेंट हो, कॉन्स्टेंट का मतलब जैसे कैसे, यहां पे लैम्डा क्या है के एक्स, यहां लैम्डा वेरिएबल है, कैसे के कॉन्स्टेंट है बट एक्स पे भी डिपेंड कर रहा है, एक्स तो वेरी कर रहा है ना, ठीक है, लेकिन अगर मान लो लैम्डा सिर्फ के होता, ओनली के, तो हमें चार्ज कैसे निकालते, सीधे लैम्डा इंटू एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ एंड करके चार्ज आ जाता, चार्ज आ जाता, लेकिन अगर आपको लगे किसी सवाल में कि लैम्डा क्या है, कॉन्स्टेंट नहीं है, लैम्डा क्या है, वेरिएबल है, सुनो, तो उस बॉडी का चार्ज निकालना है लैम्डा की मदद से, तो फिर क्या करते हैं, लैम्डा को डीएक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, लैम्डा का मतलब फिर से सुनो, लैम्डा का मतलब होता है उस थिन वायर का, थिन लेंथ वाली बॉडी का चार्ज पर यूनिट लेंथ,
तो चार्ज पर यूनिट लेंथ का मतलब यूनिट लेंथ का पता है, तो जितने लेंथ का चाहिए मल्टीप्लाई कर दो आ जाएगा चार्ज। लेकिन ये कब, जब लैम्डा कांस्टेंट हो, लैम्डा जस्ट एक नंबर होता, उसमें कोई वेरिएबल नहीं होता तो ये चलता। लेकिन आप देखो लैम्डा के इनटू एक्स, ये एक्स पे डिपेंड कर रहा है, एक्स तो वेरिएबल है, तो जब लैम्डा वेरिएबल हो तो चार्ज कैसे निकालते हैं, पूरी वायर का, कोई भी पतली बॉडी का, कोई भी थिन बॉडी का, लैम्डा को इंटीग्रेट करके। तो यहां पे क्या है, यहां पे सोचो क्या है, यहां पे साफ दिख रहा है कि लैम्डा वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है, आपके सामने ये स्टोरी है, लैम्डा क्यों वेरिएबल है, लैम्डा है क्या, के इंटू एक्स, एक्स तो वेरिएबल है ना, तो जब एक्स वेरिएबल होगा तो लैम्डा अपने आप वेरिएबल हो जाएगा। तो यहां पे हमें इस पूरे बॉडी का चार्ज निकालना है तो हमें इस तरीके से जाना पड़ेगा इंटीग्रेशन से। चलो करते हैं, क्यू डैश इज इक्वल टू क्या, लैम्डा इंटू डीएक्स, और यहां पे एक्स की लिमिट भी रखनी पड़ेगी, कोई लिमिट पता है, एक्स क्या है, एक एंड से शुरू हो रहा है, जीरो से खत्म होते होते एल पे जाके खत्म हो जा रहा है, एल है ना लंबाई। तो अब देखो लैम्डा इज़ इक्वल टू के एक्स, के बाहर आ गया, एक्स डीएक्स लिमिट भी रखी दो अब, जब एक्स आ गया तो जीरो से कहां तक, एल तक, जीरो से कहां तक, एल तक, बस के बाहर। एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जानते हो एक्स स्क्वायर बाई टू, तो ये क्या हो गया बेटा के, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर बाई टू कहां से कहां, जीरो से एल तक, ठीक है। अब लिमिट रखो, चार्ज आ जाएगी वैल्यू, बस फिनिश हो रहा है, के अपर लिमिट इस जगह पे एल, एल स्क्वायर बाई टू माने जीरो, खत्म हो गया, क्या आ गया चार्ज, के एल स्क्वायर बाई टू, बस हो गया फिनिश। अब तो एक मिनट का काम है, चार्ज हमने निकाल दिया, वायर था, चार्ज था, वायर की लंबाई गिवन थी, वायर के लिए लैम्डा गिवन था, बट चार्ज नहीं गिवन था, तो ये कॉन्सेप्ट जिसको पता होगा वो यू कर देगा सवाल, ठीक है। अब आ जाओ, अब फ्लक्स निकाल दो, फ्लक्स नंबर वन क्या हो जाएगा, इस वाले सरफेस के अंदर सिर्फ चार्ज क्यू वन है, क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फिनिश। फ्लक्स नंबर टू, टू का मतलब कौन सा सरफेस, बाहर वाला सरफेस, इस वाले सरफेस के अंदर ये भी बंद और ये भी बंद, तो दोनों मिलाकर कितना चार्ज बंद हो गया, क्यू प्लस क्यू डैश बाई एप्सिलॉन नॉट, ये यहां भी वैक्यूम है, ध्यान रखना, तो सिर्फ एप्सिलॉन नॉट ही होगा। हाँ, अगर कोई मीडियम होता तो फिर हम एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन मान लेते, यहां तो जरूरत ही नहीं है, तो वैक्यूम हर जगह है। क्यू प्लस क्यू डैश, क्यू डैश की वैल्यू भी पुट कर दो, Q प्लस क्यू डैश आपको पता है ना, के एल स्क्वायर बाई टू अपॉन कितना, एप्सिलॉन नॉट, बस अब दोनों को डिवाइड कर दो, अब क्या है, फाइव वन इज टू फाइव टू, डिवाइड कर दो, आज एक आंसर है ना, डिवाइड कर दो भाई, डिवाइड कर दो क्या, चलो कर ही देता हूं भाई, चलो तो बोलोगे सर आपने आधा नहीं कराया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट डिवाइड कर दो तो ऊपर क्यू, नीचे क्यू प्लस के एल स्क्वायर बाई टू, फिनिश, हो गया ये आपका फाइनल आंसर। तो अभी आपने दोनों देखा, एक सवाल ये, एक सवाल ये, इससे पहले कॉन्सेप्ट वो सब किस पे मैंने कराया, गॉस थ्योरम पे कराया, फिर से मैं बताऊं गॉस थ्योरम एक बार रिवाइज करवा देता हूं, दो मिनट मुझे दो। सबसे पहले फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ये तो क्लियर हो गया, फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला होता है ई एरिया कॉस थीटा, लेकिन अगर चार्ज बंद हो जाए तो सबको भूल जाओ, सीधे गॉस थ्योरम अप्लाई कर दो, गॉस थ्योरम के प्रूफ करने के लिए चार्ज लो, स्फेरिकल सरफेस से बंद करो, छोटा सा डीएस लो, वहां पर इंटेंसिटी के वैल्यू लो, फिर एरिया वेक्टर डालो, फिर इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर, वही नॉर्मल नॉर्मल को जो कहते हैं ना एरिया वेक्टर जो बाहर की तरफ जाता है उनके बीच का एंगल वैल्यू पुट करो, गॉस थ्योरम आ जाएगा। फिर एक टॉपिक क्या पढ़ाया, गॉस थ्योरम से कूलम्स लॉ का प्रूफ, उसमें क्या करना है, वही डायग्राम लेके चलना है, सेम डायग्राम, बट उसमें यह मानना है कि हमें कूलम्स लॉ, हमें कूलम्स लॉ नहीं निकालना है, तो जब हमें कूलम्स लॉ नहीं पता तो हमें इंटेंसिटी भी नहीं पता, क्योंकि फिजिक्स में पहले कूलम्स लॉ आया तब इंटेंसिटी आया, तो क्या करेंगे अब, क्या करेंगे, गॉस थ्योरम की मदद से इंटेंसिटी की पहले वैल्यू निकालेंगे, वही अब हम थ्योरम को यूज करेंगे, जब हम गॉस थ्योरम से कूलम्स लॉ प्रूफ करेंगे तो मैं थ्योरम को यूज करूंगा और इंटेंसिटी को अननोन मानूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, उसकी वैल्यू निकालकर फिर वहां पे नए चार्ज की एंट्री कराऊंगा, तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, आने जो भी चार्ज आया है इनटू वहां पर की इंटेंसिटी, फोर्स अपने आप वही आ जाएगा, कूलम्स लॉ का फॉर्मूला आ जाएगा। इस सवाल पे ये फॉर्म था, हो गया। ये सवाल ध्यान रखना कि अगर कोई भी थिन वायर है, पतली सी बॉडी है, उसकी लंबाई पता है लेकिन लैम्डा दे रखा है बट चार्ज नहीं पता, तो उस लैम्डा का, लैम्डा की मदद से हम चार्ज निकाल सकते हैं। अगर लैम्डा जस्ट एक कांस्टेंट है, सिर्फ एक नंबर होता है, जस्ट एक वैल्यू, नो एक्स वाई जेड, नो वेरिएबल पे डिपेंड करता, तो हम सीधे ऐसे कर देते। लेकिन अगर वो लैम्डा वेरिएबल है, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ उसकी बॉडी की अगर वेरिएबल है, तो वायला इंटीग्रेशन जाएंगे, ये ध्यान रखना। इसके बाद तो आपको ये क्वेश्चन पता है। तो स्टूडेंट्स, आज गॉस थ्योरम पढ़ाया, प्रूफ करवाया, कूलम्स लॉ का प्रूफ कराया, एक कॉन्सेप्ट बताया, दो क्वेश्चंस कराए।
आज इतना ही कराऊंगा, अगली क्लास में फिर गॉस थ्योरम के क्वेश्चंस कराऊंगा और उसके बाद गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस, बस खत्म। चैप्टर बहुत जल्दी फिनिश होने वाला है और मैं चैप्टर फिनिश करके, जब ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, आई विल सेंड यू अ वेरी गुड असाइनमेंट, एमसीक्यू भी होंगे और कुछ क्वेश्चंस होंगे, फिर आप प्रैक्टिस करना। अभी नहीं भेज रहा हूं कि मैं पहले चैप्टर अच्छे से फिनिश कर दूं और आप लोग तैयारी भी कर लो। फिर मैं देख रहा हूँ कि आप लोग वीडियो को, बहुत सारे बच्चे नहीं तैयार कर रहे, मुझे व्यूज पता चल जाता है कितने बच्चों ने देखा है, क्या किया है, तो प्लीज मैं लगातार आपको वीडियो दे रहा हूँ, असाइनमेंट दे रहा हूँ, इसलिए प्लीज आप तैयारी करो। भले ही स्कूल बंद है लेकिन स्कूल खुलेंगे तो पेपर होंगे, वो तो चेंज होगा नहीं, बोर्ड एग्जाम भी टाइम पे होने वाला है नेक्स्ट ईयर, तो आप स्लो नहीं चलो, ये नहीं कि स्कूल बंद है तो हम लेजी हो गए हैं। प्लीज आप पढ़ाई करो और अच्छे से पढ़ो, एक एक चीज पढ़ो, और आपको जो भी परेशानी आती है ना बेटा, मुझे व्हाट्सअप करो कि सर ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ प्लीज, या मुझे कॉल करो, मैं फ्री हूं, आप मुझे कॉल करो, मैं आपको कॉल पे समझा दूंगा, बट पढ़ाई अच्छे से करो, ओके। तो आज का लेक्चर मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कुछ नए स्टूडेंट्स जो आज कुछ दिनों से, कुछ दिन पहले ज्वाइन किया उन्होंने, तो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप भी पढ़ें, क्योंकि आपके अब लेक्चर मैंने सब भेज दिया है, और आपको भी कोई परेशानी हो तो मुझे कॉल करें, ठीक है। मैं इसके नोट्स और मैं वीडियो भेज दूंगा, और मैं बोर्ड का भी पिक भेज देता हूं, जो क्वेश्चंस होते हैं ना न्यूमेरिकल्स, अच्छे नोट्स में तो होते हैं, बोर्ड का भी पिक मैं इसीलिए दे देता हूं, तो आप, ताकि आपको और भी आप कंफर्टेबल हो और समझ में अच्छे से आए, ठीक है बच्चे, ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, थैंक यू।